ये जनाब एक रेती और शीशा भी, दांत भी उनके पास मौजूद है, सेपरेट भी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा क्लोजअप करके दिखाया जाए। दांत साफ करता हूँ बस, मेरा यही काम है, दांत साफ कर। सफाई करवाने वाले लोग आते हैं बस, उनका दांत साफ कर। आप वहाँ पे कुछ कर रहे थे? क्या कर रहा था मैं, कपड़े उतारे थे मैंने। आपके पास डिग्री है कोई डेंटिस्ट की? डेंटिस्ट की कोई MBBS की या कुछ भी इस तरह कोई हल्की? आप डेंटिस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बैठ के आप दांत कर रहे थे, आप नहीं थे? आइए जी नाज़रीन, आपको कुछ सामान दिखाते हैं। इनका नहीं है। ये सामान है जनाब, और मसूफ जो है यहाँ पर, किसी को हम लोग कहें कि वो गलत है तो कतन इस बात के बरखिलाफ कि हम लोग जो हैं वो खुद गलत है, हम अपने कुछ रुपए बचाने के लिए इस तरह के अताई डॉक्टर्स के पास बैठते हैं जो कि बीमारियों का गढ़ है। और मसूफ जो है वो मेरे देखने के बावजूद, फुटेज अभी कैमरे के अंदर मौजूद है, उन्हें लगा कि शायद वो उठ के भाग गए हैं लेकिन बना नहीं सके। तो ये मसूफ का सामान है मुकम्मल, और आपको दिखा देते हैं। अगर उनका नहीं है तो वो पास भी नहीं आएंगे मेरा ख्याल। ये डेंटिस्ट बैठे हैं रोड्स के ऊपर, इनको आप अताई कह लें। ये जी मुकम्मल, ये मुकम्मल सामान है। ये एक डेंटिस्ट जो है वो यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि रेती के साथ मुकम्मल तौर पर दांत तेज़ करते हैं ताकि अगला जो है वो किसी को काट सके। और भी मज़ीद जनाब, ये दांत भी उनके पास मौजूद हैं। और यहाँ पर किसी को आप कहें कि गलत है या किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात की जाए तो हमारा महकमा सेहत ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है, और इस तरह के लोग जो हैं वो हमारी जानों से, हमारे शहरियों की जानों से जो कि कीमती जाने उनके साथ खेल रहे हैं। ये एक वो कहते हैं दांत साफ करता हूँ बस, मेरा यही काम है, दांत साफ कर। सफाई करवाने वाले लोग आते हैं बस, उनका दांत साफ करते हैं। जी अभी आपने कुछ देर पहले सुना कि यही मसूफ जो थे, इनके मुताबिक ना तो ये सामान उनका था और ना ये खुद कुछ करते थे। तो अभी मजीद आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? आप कुछ कर रहे थे? क्या कर रहा हूँ यार, आप मुझे ये बताएं, आप वहाँ पे कुछ कर रहे थे? क्या कर रहा था मैं, कपड़े उतारे थे मैंने। क्या कर रहा था? कपड़े उतारने वाली बात है, वो भी आप उतार देंगे। अगर आप जिंदगियों के साथ खेल सकते हैं तो फिर आप कपड़े भी उतार सकते हैं। आपके लिए कपड़े उतारना कोई बड़ी बात नहीं, और मैंने सिर्फ दो रुपये आपसे बात पूछी, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो आप कहते भाई मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप वहाँ पे कपड़े उतार रहे थे, आपने कपड़े उतारे, आपने डांस किया नहीं किया, सिर्फ तो आप वहाँ पे थे। मैं उधर कहाँ था यार, मुझे बस आप नहीं थे। ओके जी आए अभी ये तजाद के उसी दुकान के अंदर, और यहाँ के जो रहायशी लोग हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं जनाब यहाँ पे कि ये वहाँ पे नहीं थे। आइए आपको इनका सामान दिखाते हैं। बाकायदा इनका पूरा अड्डा सजाया हुआ, जो एक एक हॉस्पिटल कह लें, वो किस तरह से सजाया गया था इस बैग के अंदर, एक रोड्स पर चलते हुए डेंटिस्ट, MBBS डेंटिस्ट। और मेरा ख्याल कि यहाँ पर हमें इस चीज़ की तलकीन करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, हालांकि मैं गलत कहूँगा हमारा मुस्तकबिल है, उन्हें यही कहना चाहिए कि बजाय इसके कि लाखों करोड़ों रुपया देकर आप डॉक्टर की डिग्री हासिल करते हैं, तो उससे बेहतर यही है कि किसी डॉक्टर के पास 2 मंथ लगाएं और एक मुकम्मल अपना जो आप कह लें मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल डेंटिस्ट सेंटर, आपको मुकम्मल उसी तरह एक सजाया हुआ दिखाते हैं जनाब। मैं अपने साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा मेरा साथ दें। ज़रा अब्दुल रहमान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने आए हैं। तो आज नाज़रीन एक नया अजूबा पाकिस्तान की तारीख के अंदर, और मसूफ अभी तक हर डर्मी के ऊपर जो है वो मौजूद है कि भाई मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था और मैं कुछ नहीं कर रहा था। और उनके सामने लगाने वाला ठेला, ये जनाब एक रेती जिससे दांत तेज़ किए जाते हैं ताकि अच्छी तरह से खा सके, और शीशा भी। और मसूफ का सिर्फ ये है कि वो दांत साफ कर रहे हैं, हालांकि इसकी भी कोई अथॉरिटी नहीं उनके पास। ये दांत भी उनके पास मौजूद है, आपको जिस साइज़ जिस तरह का दांत चाहिए होगा वो दांत मिलेगा। और ये
सेपरेट भी है। अब्दुलरहमान जरा ये दांत दिखाइएगा कि किस तरह से है। साइंस को मात दे दी है जनाब ने यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा क्लोजअप करके दिखाया जाए मसूफ जो कि जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, और उनके पास सिर्फ यही बात थी कि वो यहाँ पर कोई नंगे नहीं है। तो मेरा ख्याल कि इससे बेहतर ये था कि वो नंगा होकर कुछ कमा लेते तो वो उनकी शायद किसी की ज़िंदगी बच जाती। ये देखिए जनाब, मुकम्मल तौर पर एक चलता फिरता आप कह लें डेंटिस्ट हॉस्पिटल है जनाब का। अभी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि मुकम्मल एक आप कह लें जिस तरह एक दांतों के लिए मुकम्मल तैयार किया जाता है। ये है जनाब, चेक कीजिए मुकम्मल तौर पे और किस तरह से इसको आर्टिफिशियल जो दांत हैं ये मसरूफ यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर बकायदा इनके पास इनके कस्टमर्स आप कह लें, क्लाइंट कह लें। आप अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा बैग का क्लोजअप करें और देखें। यहाँ पर अभी हम पुलिस को भी बुलाएंगे और बकायदा मैं ख़ुद इस चीज़ का जो है हम ऐलान करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह के अताई जो हैं वो हमारे साथ जो है खिलवाड़ करते हैं हमारी ज़िंदगियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर कोई कारोबार करते हैं? नहीं, मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। रेलवे मुलाजिम है। कितने अरसे से इस रोड से गुजर बसर है? कौन आपका कितने अरसे से इस रोड पे गुजर बसर है? 40 साल। 40 साल से ये बंदा वहाँ पे दांत साफ कर रहा है। इसका पहले बाप था। पहले बाप था, अब ये खानदानी पीछे है। आपकी नज़र में ये लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेला जा रहा? ये खेला जा रहा है। फिर भी किस तरह से आप इसको डिफेंड कर रहे हैं? यहाँ पे आपने तो एक दुकानदार जो थे उनको जो मुनासिब नहीं लगा कि क्या वजह? ये वो पैसे बहुत लेते हैं, ये पैसे कम लेता है। अच्छा, पैसे चंद पैसे बचाने के लिए ज़िंदगी दाव पे लगा दी जाए? वाह, यही है ना कि आजकल हालात जैसे हैं तो अलग अलग, चलो कम पैसे लग जाते तो दांत सही हो जाए और वो दांत और ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन हमारे पास साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, क्या सोच के पढ़ने आ रहे हैं? ज़रा मुझे सिर्फ एक सोच बताएं। बस के कुछ बन जाएंगे आगे जाके। कुछ बनना है। क्या बनना है? जहाज बनना है, इसलिए बनना है। आप ये भाई का मुस्तकबिल रोशन है, ये जहाज बनना चाह रहे हैं तो उड़ाना नहीं चाह रहे, आप खुद इंशाल्लाह उड़ेंगे। आप मुस्तकबिल हैं इस कौम का, इस तरह के डॉक्टर से आप दांत साफ करवाते हैं? ये जो अभी नो साफ करा, दांत साफ करा के निश्चित हो जाना है मुँह का, उधरों दांत साफ करने अंदरों पता लगे कोई और फाट निकल आया। अगर चार पैसे बचे और इस तरह के डॉक्टर बनना चाहेंगे? ये देखें, ये है नाज़रीन, ये हमारे मुस्तकबिल का ऐलान भी है, उनका पैगाम भी है और हमारा यही पे पैगाम है महकमा सेहत से कि अगर कागजी कारकर्दगी की बात की जाए तो उनके नज़दीक अताई डॉक्टर्स जो हैं वो लाहौर से बैन कर दिए गए हैं। लेकिन यही दरख्वास्त कि खुदारा कागजी कार्रवाई को जो बेहतर दिखाने से बेहतर है कि अमली काम किया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने वाले इन हैवानों से जो है वो छुटकारा पाया जा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।